नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में आज बात करेंगे कंपनी जो कि इंटरटेनमेंट और टेलीविजन्स में डील करती है। कंपनी का नाम है राज टेलीविजन्स। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है आप सबको पता है मुझे, मैं भी कभी कुछ रेंडमली सर्च करता हूँ और इस मार्केट में मुझे भी बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हम भी इसको डेली डेली लर्निंग करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया। आज इसमें सर्च किया हमने राज टेलीविजन्स का, जो हमने तो कभी देखा नहीं था। और आज मैं इसके वेबसाइट्स पे देख पा रहा हूँ जो कि लिखा है सब्सक्राइब टू द कंप्लीट इंटरटेनमेंट, और यहाँ पे इसके पैक भी लिखा हुआ है। दोस्तों मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, ये टीवी चैनल क्या है कहाँ से है। दोस्तों ये मार्केट में लिस्टेड है, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि ये मार्केट में पब्लिक इंटरेस्ट में जो उन्होंने अपने फंड रेज किया है हम उसी की बात करने वाले, क्योंकि इसका चार्ट में ऐसा दिख रहा था जो रिसेंटली कुछ दिनों से चार्ट में इतना ज़्यादा ब्रेकऑफ हुआ है, ब्रेकआउट कहते हैं इसको, जो इतना ज़्यादा तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, जो आखिर क्या है यहाँ पे? क्या इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं? क्या इसके पास काफ़ी सारे फिल्म्स आ गए, या किस कुछ ऐसे सब्सक्राइबर आ गए? क्या रिवेन्यू उनके पास काफ़ी बढ़ गया, या मार्केट का रिएक्शन इस तरह से बढ़ गया? हम इसी को जानने की प्रयास करते हैं। इसका पहले देखें, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% जंप किया था। दोस्तों 5% जंप करना कोई छोटी बात नहीं होती है, और 5% के बाद स्टॉक में सर्किट लग जाता है। तो नियरली 87 रुपये का शेयर है, शेयर बहुत बड़ा नहीं है इसका। दोस्तों मैं कोई भी शेयर्स के प्रति रिकमेंडेशन एडवाइस या कोई कमेंट नहीं कहता हूँ, जो जैसा है ऑथेंटिकेटेड डेटा, इसलिए मैं BSE पोर्टल में यूज करता हूँ, और जो जैसा डेटा है वैसा स्टडी करने का प्रयास करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। और जो भी आपको मैं कहता हूँ वो यहाँ पे लिखित बातों को ही कहता हूँ, जो लिखा होता है वेबसाइट्स पे वही बातें कहता हूँ मैं, कुछ भी एडिशनल आपको तोड़ जोड़ करके नहीं कुछ कहता हूँ। चलते 52 की हाई के बाद करीब 87 रुपये के आसपास है, लो की बात करें तो 42 रुपये के आसपास का। अब यहाँ से हम 52 की हाई और लो से एक बॉर्डर लाइन निकाल लेते हैं, जो कि स्टॉक सिंपल में कहाँ पे ट्रेंड हो रहा है। सीधे समझने के लिए 87 और 42 को हमने ऐड किया, निकलती है करीब करीब 129 रुपये के आसपास वैल्यू। 129 130 रुपये के वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इंटू टू करते हैं, 65 रुपये की वैल्यू निकलती है। और स्टॉक अभी 87 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो एक क्रॉस बॉर्डर लाइन है उससे स्टॉक ने बैक टू बैक जंप किया है। हाँ हो सकता है 52 हाई को उसने थोड़ी रिसेंटली महीने 2 महीने पहले ब्रेकआउट किया हो, दोबारा चढ़ने का प्रयास कर रहा हो। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 5 रुपये की फेस वैल्यू है, और ROE की बात करें तो 1.07 के आसपास निकल के आती है। कंपनी क्या है? इंडस्ट्री टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शंस का काम करती है। इसमें देखो 1 साल के डेटा बेसिस में, सीधे सीधे देखो तो इसके 1 साल के डेटा बेसिस में लगता है, हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में, जो कंपनी नियरली यदि इसको प्राइस को देखूँ, प्राइस निकल के आती है 45 रुपये के आसपास, और यहाँ निकल के आती है करीब करीब 87 रुपये के आसपास। अर्थात ये लगता है नियरली करीब या तो 90 से लेकर के 90-95% के आसपास का इसका जो है वो जो है रेट इंक्रीज किया है पिछले 1 साल के दौरान। हाँ बीच में एक बार देखने को मिली है जो स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई, एक बार शॉर्ट टर्म गिरावट थी, लेकिन दोबारा इस पर जो उछला उछाल किया वो काफ़ी बेटर था, जो कि कंपेरेटिव होता है। इसको 5 दिन के चार्ट देखो तो 5 दिन के चार्ट में ये नज़र आती है जो स्टॉक हर दिन पिछले 5 दिन से 5-5% की जंप कर रहा है। आखिर है क्या? क्या इसका रिजल्ट जो भी आने वाला है उसमें क्या पे बेटर परफॉर्मेंस होगा, ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन? तो ये जो एक्सपेक्टेशन भी होती है हम इसको समझते हैं, जो इसको इसके हिस्टोरिकल डेटा बेसिस है उसी को उसी के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज हिसाब से समझेंगे। ये इस तरह से यदि है तो इसका रिवेन्यू यदि मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये बेसिकली टेक्निकल है, तो टेक्निकल कई बार फंडामेंटल से टेक्निकल की चीज़ें होती है, कई बार टेक्निकल से फंडामेंटल की चीज़ें होती है, इसीलिए हम कहते हैं फंडामेंटल टू टेक्निकल इज वन क्लिक। तो यहाँ भी हो सकता है कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसा निकल के आ रहा हो जहाँ पे ब्रेकआउट निकल के आ रहा हो और मार्केट बैक टू बैक रन कर रहा हो 5% की डेली रफ्तार से। अब यहाँ पे देखो 1 महीने के चार्ट, 1 महीने के चार्ट में इसका यही दिखता है, 1 महीने से स्टॉक में जो 64-61 रुपये का स्टॉक था वो डेली यदि हिसाब से देखें तो 5-5%, 2-2% के हिसाब से जंप कर रहा है। दूसरी बात निकल के आती है जो इसके स्टॉक में नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना ट्रेड होता है, वो ज़्यादा नहीं है, 40,000 है, कई बार तो देखने को मिलती है 3-4 हज़ार लोग ही यहाँ पे आ पाते हैं जो नंबर ऑफ ट्रेड होता है। 3 महीने की डेटाबेस देखो तो 3 महीने में स्टॉक ने जो थोड़ी बहुत गिरावट थी दर्ज की थी उसको रिकवर करके आगे निकल चुका है।
6 महीने की डेटाबेस देखूं तो 6 महीने में वही डेटाबेस निकल के आती है जो एक बार गिरावट आती है, लेकिन गिरावट के बाद दोबारा इसमें जो पुल बैक आता है वो काफ़ी बेटर निकल के आता है। दूसरा निकल के आता है इसमें 1 साल के डेटाबेस में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है क्या कहता है। और यहाँ पे हमने जो चार्ट को देखा था, क्योंकि तो यहाँ पे चार्ट देखो तो चार्ट में ऐसा दूर दूर तक नज़र आता है, जो रिसेंटली उसने 52 वीक्स हाई को जो ब्रेकआउट किया ना, वो तो रिसेंटली ब्रेकआउट किया हो ऐसा देखने में लगता है कहीं पे। मैं इसको देखूं और लंबा करके और छोटा करके तो क्या नज़र आता है, स्टॉक बैक टू बैक रन कर रहा है स्टॉक्स। जानते हैं इसका क्या है फंडामेंटल्स की चीज़ें को, क्योंकि फंडामेंटल्स में इसका रिजल्ट का पार्ट हो सकता है। अभी देखिए कंपनी का एक फंडामेंटल तो बिल्कुल नल है, क्लियर करता हूँ, एक फंडामेंटल जो है बिल्कुल नल इसलिए है क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाई होगी उसका पार्ट तो अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया। डिविडेंड 19 के बाद जब से कोविड आया 20, 21, 22, 23, 24, 5 सालों में कुछ भी नहीं दिया। अर्थात 5 सालों से क्या कंपनी नहीं चलती है क्या, क्योंकि इसकी आजकल इंटरटेनमेंट का जमाना है, इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें चलती है, ये नहीं ये भी चलती होगी ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं। और इस वेबसाइट पे ऐसा इंफॉर्मेशन लिखा है जो राज जो टेलीविजन है उसका ₹6 पैक मिलता है, ₹6 का पैक मिलता है। अभी कहाँ मिलता है कैसे मिलता है दोस्तों पता नहीं, आइडिया नहीं। इसमें फंडामेंटल्स में एक तो बड़ा वीक पोजिशन पे था। दूसरी पोजिशन की बात करूँ रिजल्ट के पार्ट में, तो वो क्या निकल के आते हैं दोस्तों, रिजल्ट के पार्ट में ऐसा नजर नहीं आता जहां पे स्टॉक ने क्या कहते हैं लंबी कुछ गिरावट देखी हो। इसके फंडामेंटल्स में ऐसा दिखता है, ये स्टैंडअलोन के हिसाब से देखूं, बाद में यदि इसको कंसोलिडेट भी होगा, इसका सब्सिडी कंपनी कुछ होगा, हम उसके हिसाब से भी जानने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये निकल के आती है जो रेवेन्यू का मॉडल जो पिछले सितंबर में 23 के आसपास था वो करीब चेंज होकर 39 करोड़ पे चल रहा है। मतलब कुछ तो है जो इनके बिजनेस में इफेक्टेड इफेक्शन के साथ काम कर रहा है, और जो 23 करोड़ की टर्नओवर थी वो 39 करोड़ की टर्नओवर ओवर, अर्थात ये डबल की रफ्तार के आसपास, सीधे सिंपल देखें डबल के आसपास जाके काम काज कर रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट पार्ट थी वो लॉस में मेकिंग हो गई, जो 2 लाख के आसपास प्रॉफिट दिख रही थी वो नियरली 46 लाख के आसपास के लॉस में चली गई। अब यहाँ पे क्या ऐसा मोमेंटल हुआ जिसके वजह से मार्केट में हो सकता है कि टर्नओवर बेस मैंने नहीं करता, टर्नओवर बेस पे जो प्रॉफिट का पार्ट है वो भी मैंने रखता है, तो मैंने रखने वाली बातों में टर्नओवर के बेस पे नेट प्रॉफिट के पार्ट बिल्कुल डिक्लाइन करती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछले कभी न्यूट्रल था वो निगेटिव में चले जाते हैं, तो यहाँ दोनों तरह से देखें तो कंपनी के जो पोजीशंस हैं वो एक तरह से परफॉर्मेंसेबल नहीं दिखते हैं। ये बैक टू बैक इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट का पार्ट जो है वो ये आपस में मैच नहीं करता है। तो ऐसा क्या है जो रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन प्रॉफिट के बदले लॉस हो रहा है। इसको कुछ क्वार्टरली और देखें डेटा, क्वार्टरली डेटा की बात और करते हैं उसमें क्या निकल के आती है। क्वार्टरली डेटा में देखें तो इसकी ये निकल के आती है, मैं इसको एक ही कंपनी है शायद इसकी कंसोलिडेटेड कंपनी क्या बनाऊँ, इसका जो डेटा आता है एक ही कंपनी का डेटा आता है, और नियरली जो टर्नओवर इसका रहा है जो टर्नओवर सेल्स का बेसिस पे रहा है, तो सेल्स तो इसका बैक टू बैक ग्रोथ कर रहे हैं, और पिछले जो पिछले क्वार्टर में सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में नियरली 18-20% के आसपास का, नो सॉरी नियरली 40-50% के आसपास का गैप निकल गया है। 23 करोड़ से सीधे 39 करोड़ पे चला जाता है, ये सेल्स पार्ट काफी बढ़ जाता है, लेकिन इसको यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पार्ट देखें तो वहां के आके ये पिट जाता है। पिट जाता है मतलब पिछले क्वार्टर में उतना नहीं था तब भी प्रॉफिट बनाया 1 करोड़ 11 लाख के आसपास, और इस लास्ट क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 39 करोड़ की सेल्स के बावजूद भी इनके पास बन रहा है 4,50,000 का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो ये बड़ी डिक्लाइन वाली बात है यहाँ पे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अब नेट प्रॉफिट के देखें
सब कुछ काट कूट के, तो वो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी थोड़ी सी सिस्टिटी 2 लाख के आसपास प्रॉफिट दिख रही थी, वो कंपनी 48 लाख रुपए के नुकसान में चला जाता है। इसकी फंडामेंटल तो बिल्कुल ही डिनाई करता है स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसके बावजूद भी स्टॉक का जो रिएक्शंस है डेली डेली 5-5% का, ये टेक्निकल चार्ट पे किस तरह से दर्शाता है वो हम इसको देखें तो इसका सिंबल दोबारा दर्शाता है इस तरह से टेक्निकल्स में कि स्टॉक दोबारा चढ़ने चढ़ेगी 5% के आसपास, 2% से, क्योंकि तो रिजल्ट तक चढ़ने की उम्मीद करते हैं। ये हो सकता है रिजल्ट इसका अच्छा आ रहा हो और ये कोई ना कोई जानता हो या कोई ना कोई किसी का प्रेडिक्शंस हो मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में एडवाइजर भी हैं तो उसके बेसिस पे ये ऐसा चल रहा है मार्केट। दूसरी चीज जो यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, उसमें नियरली 71% ही प्रमोटर के पास है, 71% काफी होता है, और नियरली 29% के आसपास जो पोजीशंस हैं वो पब्लिक के पास है। पब्लिक में कौन से कोई बड़े इन्वेस्टर तो नहीं है इसके अंदर, तो पब्लिक में जैसे हमने देखा तो पब्लिक में क्या निकल के आती है, पब्लिक में निकल के आती है राज टेलीविजन के अंदर, कोई ना DI है ना FI है, ये भी एक चिंता की बात है। और ये चिंता की बात भी है और नहीं भी है, अर्थात ये देखने को मिलती है जो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे DI नहीं दिखती कुछ। DI का मतलब जब भी DI कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड होता है तो यहाँ पे ये होता है जो स्टॉक को और ओवर परफॉर्मेंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ट्रस्ट बिल्डअप होता है। यहाँ पे ज्यादातर प्रमोटर हैं, कुछ पब्लिक हैं, और पब्लिक जो 29% है उसमें भी कुछ बड़े लोग हो सकते हैं, उसमें देखो तो उसमें कुछ बड़े नाम निकल के आती है जिसमें से कुछ नाम आपके साथ में रखने का प्रयास करूंगा। इसमें नाम है मूलचंद किरण कुमार जैन, जिनके पास 20% की होल्डिंग है। ये किरण जैन, इनके हो सकता है फैमिली मेंबर हो जिनके पास 1% की होल्डिंग है। और एक और नाम निकल के आता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन पर, जो रिसेंटली कुछ अपने इन्वेस्टमेंट इसमें डाला है। अब ये किस वजह से डाला है वो मैं यहाँ पे किस क्लैरिटी नहीं दिखती है, इस पर भी हम एक अलग से स्टडी करेंगे। जो जो इंस्टीट्यूशनल जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, वो किस तरह से मार्केट में अपनी फंड को इन्वेस्ट करता है उसकी भी चर्चा करेंगे हम। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं जो निकल के आती है वो है शेयर होल्डिंग की पैटर्न, सॉरी शेयर परसेंटेज चेंज, जहाँ पे हमने ये चार्ज ये हमने देखा था जो स्टॉक ने पिछले कुछ सालों के दौरान जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको बेहतर किया था, उसी क्रम में देखूं तो ये निकल के आती है कि कंपनी पिछले 10 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं करती है। और दोस्तों मैं ये हमेशा कहता हूँ जो ये जो परसेंटेज ऑफ है दिखने के लिए, ये नेट 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले जो क्लोजिंग प्राइस होगा और अभी का जो क्लोजिंग प्राइस था उनमें जो डिफरेंस आती है उसके हिसाब से ये परसेंटेज ऑफ चेंज दिखती है। क्योंकि मान लेते हैं आपने आपके जन्म उस पीरियड का था, आपके जन्म से आपने अगले साल में क्या ग्रोथ किया यही चीज दिखती है। आपने पूरे साल में हो सकता है अच्छी पोजीशन लिया हो, दोबारा गिरावट आई हो, ओवरऑल एक साल में क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा है वो देखा जाता है। तो उसको एक कुछ पीरियड का देखे 10 साल के दौरान तो 29% 30% गिरावट है, 5 साल में 116% की ग्रो लेवल है, 3 साल में 140% ग्रो लेवल है। उसके बाद और परफॉर्मेंस ज्यादा है, 2 साल में 100% की ग्रोथ लेवल, 1 साल में नियरली 100% की ग्रोथ लेवल पहुंचती है, 6 महीने में नियरली 68-69% के आसपास। और ये फिलहाल कुछ दिनों से स्टॉक ने, हमने पहले ही कहा कि कुछ दिनों से स्टॉक में जो रैली देखने को मिल रही है उस रैली की वजह से स्टॉक ने बैक टू बैक जंप किया है, जबकि मुझे इसके फंडामेंटल्स में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर नहीं आया। इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर नहीं आया जहां पे DI और FI खड़े
खासकर DIO। तो यहाँ पे लेकिन मार्केट का जो मूड है वो मूड ये कह रहा है स्टॉक बैक टू बैक परफॉर्मेंस है 3 महीने में 28%, 1 महीने में काफी बेटर परफॉर्मेंस है, 50% जंप कर जाती है, और 2 महीने में देखे, 2 सप्ताह में देखो तो 21% के आसपास, और 1 सप्ताह में देखूं तो नियरली हार्डली 21-22% जंप कर चुकी है मार्केट। यदि यही ट्रैक रिकॉर्ड इसका चलता रहे तो आने वाले समय में ये एक दोबारा से कहते हैं इसको मल्टी बैगर, कुछ स्टॉक कहते हैं कि दो तरह की चीजें यूज करते हैं, कुछ मल्टी बैगर कहते हैं कुछ पेनी कहते हैं। तो पेनी तो ये होता है जो आज चढ़ा कल गिर सकता है या कुछ पैसे बन सकते हैं, छोटी सी स्टॉक होती है। यहाँ पे स्टॉक कह सकते हैं इसको मल्टी बैगर की तरफ, क्योंकि 87 रुपये के आसपास का इसका वैल्यूशन मुझे लगता है प्राइस था, कितने का था दोबारा मैं देखूँ तो नियरली 87 रुपये के आसपास मुझे याद था, 87 के आसपास इसका वैल्यूशन था। तो इसके हिसाब से देखूँ तो ये मल्टी बैगर इसकी कैटेगरी में जा सकता है यदि यही ट्रेंड चलता रहे तो। दोस्तों इसके पियर्स कंपनी भी कुछ हैं, तो पियर्स कंपनी की बात करें जिसमें से कुछ का हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, कुछ का पेंडिंग है, उसमें पियर्स कंपनी में सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, PVR, सारेगामा हमने ऑलरेडी किया हुआ है, TV18 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, टिप इंडस्ट्रीज हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, और राज टेलीकॉम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके क्रम में देखिए पी रेशियो की बात करें तो 343% के आसपास के निकल के आती है, और राज टेलीकॉम्स में जो हमने वेबसाइट्स देखा, वेबसाइट्स के बेसिस पे जो इनका सब्सक्राइब बेचने का प्लान है कैसे है नहीं है, दोस्तों मैं इसमें कोई भी प्रमोशंस या कमेंट्री नहीं करता हूँ, कंपनी की अपनी बिजनेस है, और मैं केवल इस मार्केट में लिस्टेड स्टॉक के ऊपर कुछ स्टडी करता हूँ। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं लिस्टेड के ऊपर ही करता हूँ, कुछ अनलिस्टेड के ऊपर भी करता हूँ, क्योंकि जिसके डेटा ऑथेंटिकेट डेटा मेरे पास होता है मैं उसके ऊपर भी स्टडी करता हूँ और सामने रखता हूँ, कि कुछ ऐसे अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड हो जाए, लिस्टेड हो तो उसके बेनिफिट्स और इंक्रीज हो सकती है। थैंक यू सो मच, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।